हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटना लाइट। आज जो है एसएससी जीडी का पेपर समाप्त हो चुका है, कैंडिडेट्स जो हैं बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा, एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कैसा हुआ सर? सही हुआ एग्जाम। कितना बनाए? हम 65। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। मैथ्स का क्या सीन रहा? मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, टाइम कम पड़ रहा था, बाकी सब सही था। कैसा सीन रहा? सही हुआ। मॉक किसका लगाते थे? मॉक RWA। सभी कैंडिडेट्स उन्हीं का मॉक क्यों चूज कर रहे हैं? अच्छा है, उनका जो भी कैंडिडेट है, मतलब जो भी उनका सिलेबस था, जिस तरह से पढ़ाए, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन आया। वैसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैथ में लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, जैसे थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन दिया था, पूछना कैसे थी वही था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, जनसंख्या से था, परसेंटेज से था, और शंकु का वॉल्यूम दिया हुआ था, उसका डायरेक्ट सा फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन था, उसको बना दिया। और जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग सीरीज सीरीज सेटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन, एक उत्तर की तरफ कर कर, एक गुलाब। जीएस से? जीएस में एक क्वेश्चन तो मुझे अभी, जैसे यूपी का जो मुलायम सिंह यादव, मतलब कौन सा मुख्यमंत्री जो हाल फिलहाल में डेट किए हैं यूपी के, जो मुलायम सिंह यादव। करंट अफेयर से ये हो गया। स्टैटिक्स से? स्टैटिक्स से था, नृत्य से एक क्वेश्चन था जो मिजोरम का था, शायद चेरऊ चेरऊ का ऐसा नृत्य था, और याद नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं। ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? वो पेपर सही था, थोड़ा सा मैथ डिफिकल्ट। मैथ डिफिकल्ट, हाँ, लैंग्वेज मतलब टाइम टेकिंग वाला मैथ था, कह सकते हैं। अच्छा, सवाल के पैटर्न में कुछ बदलाव आया, जैसा शुरू में आता था उससे कुछ चेंज है? थोड़ा सा मैथ में कर सकते हैं, 19-20 हुआ है, बाकी ये तीन सब्जेक्ट सेम। क्या होप कर रहे हो पेपर देने के बाद? ठीक है, मैं जितना संतुष्ट हूँ, वहाँ पे भी यही स्कोर मेरा जाता था, अटेम्प्ट यही रहता था, और 58 राइट होता था, 120-30 कट छट कर मेरा बन जाता था, 115-18-20 इसी के आसपास होता था। हम आपके लिए विश करते हैं, गुड लक। थैंक यू। कैसा हुआ भाई? जाम अच्छा गया है। कितना बनाए? 60 जी। कुछ दिक्कत, कोई परेशानी पेपर देने में? बस मैथ थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, सब में 20-20 मार दिए, बाकी सब में? नहीं नहीं नहीं, टोटल मिला के 60 मारे हैं। टोटल मिला के 60 मारे हो। हिंदी में कितना बना है? हिंदी में 18 मारे हैं। 18 जी। अच्छा, और ये इंग्लिश में, सॉरी ये जीएस में? जीएस में 15। अच्छा, जीएस में क्या पूछे जा रहे हैं? जीएस में खेल से एक दो क्वेश्चन था, और आपका उतना तो याद नहीं आ रहा है। असम से कुछ, असम का लोक नृत्य से क्वेश्चन आया था, असम से। बिहू वाला कौन सा नृत्य में आता है? हाँ, बिहू नहीं था, उसके रिलेटेड कौन है, तीन गो वहाँ पर रहता है बिहू टाइप का। और एक यूपी से जो 2022 में निधन हुआ था मुख्यमंत्री का, उसे क्वेश्चन था, मुलायम, उसका आप पूछा था। अच्छा, आप कितना बनाए जीएस? जीएस 15 क्वेश्चन बनाए। हाँ, सबसे आसान कौन सा सेक्शन लगा? सबसे आसान को रीजनिंग है अभी। हाँ, रीजनिंग में 20 बनाए, हिंदी दोनों, रीजनिंग और हिंदी। मैथ थोड़ा हार्ड है, मैथ हार्ड नहीं, कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेटिव था, मैथ बहुत कैलकुलेटिव से आया था इस सेशन में। किसका मॉक लगाते थे? मॉक हम लगाते थे अनअकैडमी से। अनअकैडमी से? अच्छा, जैसे मॉक जैसा सवाल था कि थोड़ा टफ या इजी था? मॉक से इजी था। मॉक से इजी था। मॉक में कितना अटेम्प्ट कर पाते थे? मॉक मेरा 130 आ जाता था, 130-140 के बीच में ही। आज कितना लग रहा है? आज हम 74 मारे हैं। 74? यस सर। मतलब 150 पार कर जाएगा? हाँ, दिखिए दिखिए। अच्छा, जीएस कैसा लगा आपको देख के सवाल, टफ या इजी? जीएस इजी था, सिर्फ मैथ टफ था, रीजनिंग भी सही था, हिंदी भी ठीक था। पढ़ा लिखा है ना, जो मैथ हल्का भी पढ़ा लिखा है, तो उसका कहीं भी हल्का सा भी दिक्कत नहीं, बहुत इजी मैथ है, एकदम नॉर्मल लेवल का। सेट बनाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसका, सीधी सी बात है। आप कितना अटेम्प्ट किए? हम तो कम ही किए हैं, बस 52 बस। एक्यूरेट, एक्यूरेसी के साथ मेंटेन। अच्छा, सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा आपको? टफ सेक्शन इसमें कोई खास नहीं था, बस थोड़ा जीके में हल्का था जो प्रॉब्लम लग रहा था, बाकी मैथ उसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम, नहीं कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर। जीएस में ही थोड़ा प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम है। हाँ, स्टैटिक से कितना क्वेश्चन है? स्टार्टिंग से स्टैटिक पार्ट से कितना क्वेश्चन है? मतलब तो बीसी क्वेश्चन है ना। जैसे कि ज्योग्राफी वगैरह से कितना सवाल पूछा जा रहा है? नहीं, कोई खास ज्योग्राफी से था, ज्योग्राफी से था, एगो था कहीं आंतरिक चट्टान वाला पूछा था, अग्नि चट्टान का थी, बलुआ पत्थर वाला, कहीं कौन सा चट्टान का है उदाहरण है,
साइंस से था कि नहीं? साइंस एक दो क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन साइंस से? बुझा हुआ चूना जब कैसे प्राप्ति होगा? अच्छा, वो वाला बुझा हुआ चूना का नाम बोला। अच्छा। और इकोनॉमिक्स वगैरह से? नहीं उतना उससे तो नहीं क्वेश्चन। क्वालिटी से? इकोनॉमिक्स से था क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। फर्स्ट चैप्टर से था का थी, वो उतना ध्यान तो नहीं मेरे पास, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से था। क्वालिटी से था कि नहीं? ये कहा था तृतीय क्षेत्र से कौन सा चीज संबंध रखता है, इसीलिए किस क्षेत्र से ऐसे आया था, था ये क्वेश्चन। डाइस वगैरह से रीजनिंग में? हाँ एक था, एक क्वेश्चन डाइस ले था। ब्लड रिलेशन? हाँ ब्लड रिलेशन था एक ना, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। कोडिंग रिकॉर्डिंग? कोडिंग रिकॉर्डिंग से भी था। पेपर देने के बाद क्या उम्मीद कर रहे हो? देखिए अब तो आगे क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो होगा ना कि हाँ हो जाएगा या फिर कुछ डाउट है? आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ना कितना कट ऑफ जाएगा। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हो कट ऑफ को लेकर के? देखिए जितना बनाए उतना तो हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए जी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पेपर देने के बाद? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पेपर देने के बाद? अरे देखिए कि देखो कट ऑफ के ऊपर मैंने रखता है ना। हाँ, फिर भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। हाँ चलिए, हम आपके लिए उम्मीद करते हैं, गुड लक। थैंक यू सर। कैंडिडेट्स काफ़ी होपफुल हैं, इस तरह का अपडेट्स आज रहा। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट एट मेक्स्योर। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।